यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की। 23 जुलाई 2019 को यूजीसी ने 23 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की। सबसे अधिक फेक यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में। फेक यूनिवर्सिटीज के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर। चलिए शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये किसी के करियर से जुड़ा सवाल है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कोर्स में रेगुलर या डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एडमिशन लेने वाले हैं, तो सबसे पहले अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा ब्लैकलिस्टेड या फेक तो करार नहीं की गई। ये सब जानकारी जुटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगा। ब्लैकलिस्टेड या फेक यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी आप यूजीसी की वेबसाइट पर UGC.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, यूजीसी समय समय पर फेक यूनिवर्सिटीज़ का नोटिस डालता रहता है। इसी क्रम में 23 जुलाई 2019 को यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इसका सब्जेक्ट है पब्लिक नोटिस ऑन फेक यूनिवर्सिटीज़। इस नोटिस में यूजीसी ने 23 सेल्फ स्टाइल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का जिक्र करते हुए इन्हें फेक करार दिया है। इसमें सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत की गई है। नंबर 1 पर है फर्स्ट कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, सेकंड यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, थर्ड वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, फोर्थ एडीआर सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी राजेंद्रा प्लेस न्यू दिल्ली, फिफ्थ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली, सिक्स्थ विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिया रोजगार सेवा सदन GTK डिपू न्यू दिल्ली, सेवंथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी दिल्ली। दिल्ली की ये 7 यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ने फेंका है। 8th नंबर पर कर्नाटका की केवल एक यूनिवर्सिटी है, बादागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी बेलगांव कर्नाटका से। 9th पर केरला की सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी है। 10th पर महाराष्ट्र के नागपुर की राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी है। ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल से भी 2 यूनिवर्सिटीज़ फेंक हैं। 11th पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता से। 12th पर भी वेस्ट बंगाल से इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ये भी कोलकाता से है। इसके बाद सबसे अधिक फेक यूनिवर्सिटीज़ वाले राज्य उत्तर प्रदेश का जिक्र है। यहाँ 8 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। 13वें नंबर पर यूपी की वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से है। 14th महिला ग्राम विद्यापीठ विश्वविद्यालय वुमेन्स यूनिवर्सिटी प्रयागराज से। 15th गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज से। 16th नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर से। 17th नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। 18th पर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोशिकला मथुरा। 19th महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ से। 20th इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद मक्कनपुर नोएडा फेस सेकंड। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा की 2 और पुडुचेरी की 1 यूनिवर्सिटी है। 21st पर उड़ीसा की नाबा भारत शिक्षा परिषद शक्तिनगर रोरकेला से है। 22nd पर नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज उड़ीसा से है। और लास्ट 23rd पर श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन पुडुचेरी से है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये पब्लिक नोटिस ऑन फेक यूनिवर्सिटीज़ 23 जुलाई 2019 को जारी किया है। आप यूजीसी की वेबसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी की लाइफ किसी गलती के कारण बर्बाद होने से बच सके। आपसे ये दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।